बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। सजदे में झुके हजारों सर, मांगी अमन चैन की दुआ, इमाम ने कराई ईद की नवाज अदा, पुलिस प्रशासन मुस्तैद आया नजर। बुलंदशहर शिकारपुर सजदे में झुके हजारों सर, यूं तो पूरे देश में ईद को सौहार्द के साथ मनाया गया। शासन प्रशासन सतर्क रहा, भारी पुलिस बल की निगरानी में नगर में ईद की नवाज अदा कराई गई। नगर में पुलिस की निगरानी में ईद की नवाज अदा की। शिकारपुर SDM क्षेत्राधिकारी अन्विता उपाध्याय ने बताया, शांतिपूर्ण तरीके से शिकारपुर नगर में त्योहार को मनाया गया। वहीं नायब तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता ने बताया, क्षेत्र के दर्जनों ईदगाह पर पुलिस की निगरानी में ईद की नमाज अदा कराई गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कृष्णपाल शर्मा ने बताया कि नगर में पुलिस की निगरानी में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। लोगों में त्योहार के प्रति प्रेम भाव देखने को मिला। ईदगाह पर हजारों लोगों ने सजदे में झुकाए सर, मांगी अमन चैन की दुआ। सभी देशवासियों के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। इस मौके पर शिकारपुर SDM अरविंद कुमार, क्षेत्राधिकारी अन्विता उपाध्याय, नायब तहसीलदार सुशील कुमार गुप्ता, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कृष्णपाल शर्मा, कस्बा इंचार्ज रविंद्र कुमार, सुधीर कुमार, बलराज सिंह, गुलाब चौधरी, नगर पालिका EO राजीव कुमार जैन, नगर पालिका चेयरमैन फूलवती राणा, दर्जनों पुलिस बल के जवान मौके पर मुस्तैद रहे। आज के दिन ही ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है, परशुराम जयंती है और अच्छा किया है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है। तहसील शिकारपुर क्षेत्र में सभी थाना क्षेत्रों में ईद उल फितर का त्यौहार दरअसल जो सुबह की नमाज होती है अदा हो गई है और परशुराम जयंती के कार्यक्रम में लोग लग रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। मैं तहसीलवासियों को, दोनों पर्वों की, सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ।